नमस्कार, केबी टीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूनम गुप्ता और आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मुरादाबाद में एक युवक की सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल शुरू हो गया। 3 पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। शुक्रवार की सुबह हालात बिगड़ने पर डीएम और एसएसपी भारी फोर्स के साथ ठाकुर द्वारा पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों पर हत्या व धमकी की धारा में केस दर्ज किया गया है। सिपाही अनीस और नरेश को नामजद किया है। ठाकुर द्वारा के तरब दलपतपुर गांव निवासी मोनू ट्रैक्टर ट्रॉली चलाता था। ग्रामीणों के अनुसार देर रात मोनू ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अकेला ही आ रहा था, तभी अवैध वसूली की नीयत से सिपाहियों ने उसे दौड़ा लिया। 1 किलोमीटर बाद ही उसका शव मिला। सर, क्या मामला? देखिए, ये ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव दलपतपुर में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें कि जो ट्रॉली है वो खाली है, एक गांव के पास में खेत में एक युवक का वहां पर बॉडी भी है और ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में है, और जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि थाने से 2 सिपाही की इन्वॉल्वमेंट के साथ में इस पूरी घटना में उनके द्वारा घटना कारित की गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा, संबंधित सीओ और एसपी ट्रैफिक, एसपीआरए सभी के द्वारा मौके पर जाकर सभी तथ्यों की जांच की गई। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की इसमें कार्रवाई की गई है। परिवारजन के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो गंभीर हैं और उनका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उसमें एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। हर पहलू पर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्वक और गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी हम लोग भी इसमें जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें 2 नामजद और 2-3 अज्ञात के खिलाफ दी गई है और उसमें जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोप की बिंदुवार हर पहलू से जांच करती है। कुछ ग्रामीणों के अंदर इस चीज को लेकर आक्रोश था और आक्रोश के संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ मिलकर उस चीज को कंट्रोल किया गया है। सारी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। उसमें एक का नाम अनीश और दूसरे का नाम नरेश। सर, गांव वालों का आरोप था कि वो 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे और उन्हें देने के इन सारे के सारे जितने भी आरोप हैं, इन सारे आरोपों की जांच की जाएगी, पुष्टि की जाएगी और उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, किन धाराओं का मुकदमा दर्ज किया है? इसमें BNS की धारा 103A और 353A के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।